एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज्यादातर पैसे वालों को होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वो जिस गांव में रहता था वहां पर ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी उससे कई गुना ज्यादा जमीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और तीन बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। मोहन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वो बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी ये देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतना ज्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला था नहीं और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुँच गया। सेठ के पास पहुँच कर मोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को दो वक्त का खाना मिल सके। पट्टू वीडियो को पाने के लिए मंडी बम ऑफिशियल चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और इस तरह कहानी को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।